नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस बार जो रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा कि मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ और आपको अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत क्यों है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कितना सेफ स्कोर लेके चले, और उसमें आप कमेंट जाके देखेंगे ना तो ऐसी ऐसी कमेंट है, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता। कुछ लोगों के कमेंट ऐसे हैं कि 80 नंबर तेरा बाप लेके आएगा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप भांग पी के ऐसा बोल रहे हो क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने उस वीडियो में कट ऑफ के बारे में नहीं बताया था आपको, बस ये बताया था कि आप एक अच्छा स्कोर लेके चलो भाई। आप कट ऑफ कितनी जाए, आप अच्छा स्कोर लेके चलेंगे तभी तो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कोई भी यूट्यूबर जो आपको ये बताएगा ना, सच्चाई बताता है ना, उसको कोई नहीं देखता। अगर कोई ऐसा यूट्यूबर है जो आपको बताता है कि कट ऑफ 40 जाएगी 45 जाएगी, तो आप उसको देखने के लिए तैयार हैं। यूट्यूब पे ऐसे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो रेलवे में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उनके चैनल को आप देखोगे ना वो आपको एकदम एक्यूरेट जानकारी देंगे, लेकिन उनके वीडियोज़ कोई नहीं देखता। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनका रेलवे से कोई कनेक्शन नहीं है, है ना, अगर वो वीडियो बनाते हैं उनके आप देखो इतने व्यूज आएंगे। मतलब लोग हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर कोई आदमी है वो आपको बस ऐसे ही फॉर्म कहीं से भी कुछ नॉलेज निकाली, उल्टी सीधी पेपर कटिंग कुछ भी दिखाया, उसको आप सही मानने को तैयार हो। और जो जिस आदमी को उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है, सच बात यह कि उसको स्वीकार करना ही नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारे मेरे यूट्यूबर साथी हैं जो रेलवे में हैं और आपको अच्छी नॉलेज देते हैं, लेकिन उनके ऊपर व्यूज़ नहीं है, क्योंकि उनको मसाला लगा के आपको चीज़ें जो डिलीवरी करना, ये उनके हाथ में नहीं है। उनके पास जो नॉलेज है वो उतना देते हैं, है ना। 2015 की जो ANTPC की भर्ती थी ना, उसमें दोस्तों एक सच्चाई है, उसको कोई भी ऐसा जो फर्जी यूट्यूबर है ना वो नहीं बताएगा। सच्चाई ये थी कि जिन साथियों का आपका साइको टेस्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ, साइको टेस्ट उन्होंने पास कर लिया, लेकिन अगर वो मेडिकल में फेल हो गए थे ना, उनको सीधा बाहर कर देता था रेलवे के अंदर। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा, ये बात सच्चाई है। 2015 की जो NTPC की भर्ती आई थी ना, जिन साथियों को रेलवे ने साइको टेस्ट के लिए बुलाया था, साइको टेस्ट पास करने के बाद जब वो मेडिकल में गए और मेडिकल में अनफिट हो गए, तो उनको सीधा बाहर कर दिया था, उनको दूसरी पोस्ट नहीं दी गई थी। लेकिन ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बात बताएंगे तो इस बात को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और सीधी सी बात है, अगर हम कोई भी बात को मसाला लगा के उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ के बताएंगे तो उसको लोग देखेंगे। क्योंकि तो भाई अगर मैं अभी से तुम्हारा ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, सीधी सी बात, आप मेरी वीडियोज़ क्यों देखेंगे, सब्सक्राइब क्यों करेंगे। हमें तो सब्सक्राइबर चाहिए ना, जो फर्जी यूट्यूबर हैं जिनको बस ऐसे ही कुछ मसाला मिल जाए वीडियो बनाने का, एक दिन में 2, 3, 4, 5 जो भी वीडियो मिले बना दें, उनको क्या चाहिए कि भाई अगर मैंने सच्चाई बताई तो लोग देखेंगे नहीं। हमें तो ऐसा वीडियो बनाना है कि सारे लोग हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, हमारे लिए अच्छी बात बता रहा है। दोस्तों कुछ बातें सच्ची होती हैं लेकिन वो बड़ी कड़वी होती हैं। अब देखो ये ग्रुप डी की मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, उसको आप सुनिएगा। अभी NTPC का एग्ज़ाम हुआ है और NTPC का पेपर आपने देखा होगा, बहुत अच्छा पेपर है। और जिनको लगता है ना कि NTPC का पेपर बहुत ईजी था, वो एक बार ये आपका जो CBT 2 का पेपर है ना उठा के देख लीजिएगा, टेस्ट बुक मिल जाएगा और कई जगह मिल जाएगा जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वहाँ पे आप मैथ्स का रीजनिंग का कोई भी टेस्ट लगा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि पेपर कितना आजकल कितना टफ पूछा जाने लगा है। फिर भी उस पेपर में 90 से ऊपर छात्रों के मार्क्स आए हैं। मेरे ऐसे साथी हैं, एक नहीं मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनके हर लेवल में 90 से ऊपर मार्क्स है। तो ऐसी बात नहीं है कि पेपर अगर टफ आएगा तो पढ़ने वालों कमी नहीं है, पढ़ने वालों इतने हैं आप सोच नहीं सकते। इस देश में बेरोजगारी का ये हाल है कि छात्र ना पूरे में से पूरे मार्क्स भी ला रहे हैं और लाते हैं, क्योंकि करेंगे क्या उनके पास, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो पढ़ाई छोड़ो। तो मेरा मानना है कि आप तैयारी करो तो अच्छे से करो ना, ये तैयारी करने का बहाना छोड़ो, अपना टाइम जाया करना छोड़ो। 3.5 साल आपने ऑलरेडी रेलवे ग्रुप डी को दे दिए हैं। 3.5 साल में अगर आप कोई काम भी करते, 10,000 रुपये महीना भी कमाते, तो 3-4 लाख रुपये कमा लिए होते। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप पैसे कमाओ, बाकी मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि भाई आप पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, अच्छा टारगेट लेके चलो ना, क्या दिक्कत है। हाँ
जब आपको पोस्ट प्रीफरेंस के अनुसार पोस्ट नहीं मिलेगी ना, तब आप रोते रहोगे। तब या हो सकता है कि आप, भगवान ना करे कि एक नंबर से आधा पॉइंट नंबर से रह जाए, तब आपको वो तकलीफ जिस दिन के लिए आप 3.5 साल से पढ़ रहे हैं, अभी तो एग्ज़ाम होनी है, वही 4-5 साल लग जाएंगी। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आप रह जाए कुछ पॉइंटों से, तब आपको पता लगेगा कि यार हमने 4 साल ख़राब कर दी और कुछ लेना देना है नहीं। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि भाई आप अपना स्कोर है वो 70-80 लेके चलो, 75-80 लेके चलो, ताकि भाई कट ऑफ कितनी भी जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन उस चीज़ को पता नहीं लोग उल्टे सीधे तरीके से कैसे ले रहे हैं। अब देखो एनटी, ये आपके ग्रुप डी की एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि अभी जिन भी साथियों ने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया CBT 2 का, वो सारे के सारे ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, पता है ना आपको, क्योंकि 17 अगस्त से एग्ज़ाम आपके शुरू है और 17 अगस्त से पहले एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट आने वाला नहीं है, ये तो आपको कन्फर्म है भाई। अभी जो रिजल्ट आएगा वो टाइपिंग के लिए आएगा, और टाइपिंग के लिए जो रिजल्ट आएगा, अभी तो देखो गुवाहाटी के एग्ज़ाम भी होने बाकी है, टाइपिंग के लिए जो रिजल्ट आएगा उसमें 8 गुना जो स्टूडेंट है वो सेलेक्ट होंगे। अब सीधी सी बात है, 8 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए तो उनको क्या पता कि भाई 8 गुना के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात है ना, किसी को पता नहीं है ना। तो सीधी सी बात है वो भी एग्ज़ाम देंगे, और जब वो एग्ज़ाम देंगे तो आपके साथ वो कंपटीशन लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ ना आपको पता नहीं है कि जिन्होंने एनटीपी से एग्ज़ाम दिया है वो ग्रुप डी का भी देंगे और कट ऑफ को बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई आप तैयारी कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, मैं तो आपसे ये बोलता हूँ। टेस्ट सीरीज लगाइए, वीक में 2-3 दिन कम से कम टेस्ट सीरीज लगाइए, अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए, ऐसा आप अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ग्रुप डी की तो कीजिए, आप थोड़े जो एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए ना उनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आप टेस्ट सीरीज लगाइए, और टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, तो उनमें से एक आपका मॉक्स ट्री है, उसको आप लगा सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो एक तो आपको लेवल अच्छा मिल जाता है, ठीक ठाक लेवल मिल जाता है आपका एग्ज़ाम के लिए, और दूसरा ये है कि आपको वहाँ पे जोन वाइज आपकी रैंकिंग शो होती है, जहाँ पे आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई अपनी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, कैसी चल रही है, अपने जोन से कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उनमें हमारी रैंकिंग एक्चुअली क्या चल रही है, हमें कितना और पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को पढ़ना है, कहाँ हमारी कमजोरी है ना। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, ऐसी भर्ती पता नहीं दोबारा आएगी नहीं आएगी। और एज भी आपको पता है कि पढ़ने की भी एक उम्र होती है, आदमी ये नहीं कि बुढ़ापे तक पढ़ता ही रहेगा, तैयारी करता रहेगा, है ना भाई, एज भी निकलती जा रही है। मेरे प्यार दोस्तों बस आपसे ये निवेदन है कि आप पढ़ें, थोड़ा अच्छा लेवल का पढ़ें और अपनी तैयारी को बढ़िया रखें। तो बस मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अच्छे लेवल का पढ़िए, है ना, और थोड़ा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है दोबारा से आपको ऐसा मौका नहीं मिले। लगभग 3.5 साल के बाद में तो आपकी एग्ज़ाम डेट आई है, और फिर पता नहीं क्या होगा। तो आप जो भी टाइम बचा हुआ है उसको पूरा यूटिलाइज़ कीजिए, उल्टी सीधी बातों पे मत जाइए। ऐसा कोई भी यूट्यूबर जो आपको बताता है कि कट ऑफ 40-50-60 जाएगी, उन पर विश्वास मत कीजिए। भले देखो कट ऑफ कितनी जाए, लेकिन आपको जो डिमोटिवेट करें, देखो मैं तो आपको हमेशा अच्छा ही बोलता हूँ कि आप ज़्यादा पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अपना टारगेट अच्छा रखो, बस वो ही है दोस्तों। बाकी मिलते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं, जिनको नॉलेज सही होगी, जिनको मैं अच्छा लगता हूँ सीधी सी बात, वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, बाकी जिन्हें मैं अच्छा नहीं लगता अनफॉलो कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।